सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। तो गाइस, हमारे यहाँ एक फंक्शन आने वाला है, तो उसकी ये देखो नील परियां तैयार हो रही हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। फंक्शन दो तीन है। और वो फंक्शन क्या है वो आपको नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा, है ना? है ना मम्मा? धीरे धीरे, होले होले, स्लोली स्लोली। खुशियां तो चढ़िया आज। बस अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग को थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी तो उसके लिए निकल रहे हैं हम लोग बस। तो गाइज, अब हम लोग निकल चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना था इसलिए वॉक करते करते ही निकल आए, पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ देखो गाइज, हम ले रहे हैं सामान। अब ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, तो बाकी हम मिलते हैं घर चलते समय। अब हम जा रहे हैं। तो गाइज, हम लोग जो भी लेके आए थे ना, उसको हमने इकट्ठा करके इनमें रख लिया था, बैग्स में, ताकि जब हम लोगों को लेना हो हमें ढूंढना ना पड़े, हम डायरेक्ट सिर्फ बैग निकालें और काम हो जाए। तो ये नहीं लेके आए हम, ये लूडो है, इसका कोई काम नहीं है प्रिपरेशंस में। गाइस, मैं और भाई, मेरे पास खाने को इतनी ज्यादा चीजें हैं ना, इतनी ज्यादा किसी के पास नहीं होंगी, दलिया और खिचड़ी। तो गाइस, इसका पेट खराब है, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन है पेट में, तो फिर क्या खाएगा ये? और यही खाएगा ना। तो चलो अब हम मूव होते हैं अपने। मेरे सामने इतनी सारी बढ़िया बढ़िया डिश बना के खा रहे। हम नहीं खा रहे, हमने कहा अभी रुक के खाएंगे जब तुम्हारा सही हो जाएगा सब, ठीक है ना? चीजें लेके आए थे तो तुम मत देखते भाई, लो लाइट आ गई इसी बात पे। तो गाइस, मूव होते हैं हम अपने सामान में। तो सबसे पहले देखो क्या है, पर्स नहीं लेके आए। पर्स तो हमने रखा था ना। तो सबसे पहले देखो गाइस, हम ये लेके आए हैं ये इतने सारी नेल पॉलिश, क्योंकि देखो हमें साइड में जो है नेल वगैरह में लगाने के लिए ना, हम वो करना होता है, क्या होता है वो, डिजाइन वगैरह बनानी होती है बेसिकली। तो फिर डिजाइन वगैरह के लिए हमें इतनी सारी नेल पॉलिश तो चाहिए होंगी, प्लस ग्लिटर की भी चाहिए होंगी, जो हमें मिल नहीं रही थी, हम लेके आए इतनी जगह से ढूंढ के। आपको पता है हम कितने टैलेंटेड हैं, तो फिर हम नेल एक्सटेंशन भी खुद ही कर लेते हैं। यस, और नेल्स तो हमारे हो ही गए हैं, ये भी हम लाए हैं। बॉयज का बिल्कुल नहीं होता, कपड़े पहनो, बाल बस दो हाथ मार दो, तभी तो तुम्हारा कुछ लाए नहीं। मेरे को लेके भी नहीं आ रही, तो तुम्हारा पेट खराब है। हमने मंगाए हैं। तो गाइज, और ये मैं लेके आई हूँ इयररिंग्स, जो कि मेरे हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो फंक्शन है ना, इसमें बस इस वाले फंक्शन में ना। तो गाइज, बेसिकली क्या है ना कि इस वाला, ये वाला जो फंक्शन है, इसमें सिर्फ मैं और मम्मा ही जा रहे हैं, और इस वाले में वैसे तो दो तीन फंक्शन है, पर इस वाले में सिर्फ मैं और मम्मा जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने अभी थोड़ी सी शॉपिंग की, अभी हम और करेंगे आगे वाले फंक्शन के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए ये है। तो ये हो गए हमारी नेल पॉलिशेस, और आयाशी वो दे हाँ, ये रिंग्स हैं जो कि मैं समझ रहा, मेरे लिए कुछ नहीं आया है, दिस इज डब्बा। तो ये रही हमारी रिंग्स, पतली सी ली हैं क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती हैं। ये लिपस्टिक जो गई, वन फाउंडेशन, इसको आशी इसमें डाल दे। और गाइस, हम ये लेके आए थे एक फाउंडेशन, ये फाउंडेशन था जो हम लेके आए थे, क्योंकि अपने पास ना बाकी मेकअप का सामान तो आया, फाउंडेशन नहीं था, ब्रशेस वगैरह भी थे, तो हम फाउंडेशन ले आए, बाकी तो सब चलो इतना तो हम करते भी नहीं है। हाँ, इतना तो ये था हमारा पुराना, जो कि खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, और बाकी सूख सक गया, इसलिए हम ये वाला लेके आए हैं। तो और उसके बाद हम लेके, ये हम लोगों के पास है मेकअप किट, छोटी है क्योंकि हम लोग जो है इतना ही करते हैं, हम लोग जो है वो ऐसे ही करते हैं, तो हल्का करते हैं। ये अपना हो गया वो आईलाइनर, है ना, और अपना वो उठाना, बैग उठाना, ये तो अपने क्लिप्स है ना, ये तो क्लिप्स है, छोटी छोटी चीजें कहाँ ढूंढेंगे, अपने पहले से रखा हुआ है हमने, असली माल तो अब निकला। ये वो है, मतलब जैसे मैं मम्मा के हेयर स्टाइल करूंगी ना, तो उसके लिए मैं उनको, उनके बालों में इतने सारे पिंस की लोड पड़ेगी, मैं तो अपने बाल ओपन रख रही हूँ, बट मम्मा जो है वो नहीं रखेंगे ना ओपन, तो उसके लिए ये सब उनके लिए है, भाई उनको जरूरत पड़ेगी। ये मेरे मम्मा के इयररिंग्स हैं, भाई उनको जरूरत पड़ सकती है ना इन क्लिप्स की। ये मेरे मम्मा के इयररिंग्स हैं, ये रहे, ये सीरम वगैरह, मतलब सब कुछ छोटा छोटा रखा है, ये तो चलो ऐसे ही है, तो आई लाइनर है तो रखे रहते बेसिकली। ये तो अपने पास थे ही ना, ये तो अपने पास थे, इसलिए हम ये लाए नहीं।
ये अपने पास, बस इससे ज्यादा मेकअप ही नहीं होता, जो इससे ज्यादा ब्रशेस की कोई लोड भी पड़ सकती है हमको, बस ये इतने हैं अपने साथ ब्रशेस, यही बहुत हैं। ये बिंदी भी है जी, बिंदी ये अपनी बिंदी होगी, ये वाइट होगी और ये होगी अपनी ब्लैक भी थी, ये अपनी ब्लैक बिंदी होगी। सो गाइज यहाँ पर अब हम लोगों की मेहंदी लग रही है, मतलब मेरी अभी मम्मा के लगेगी और मेरी लग रही है, आशी लगा रही है। गाने सुनते सुनते हम मेहंदी लगा रहे हैं जी। दुल्हनिया के फ्रेंड के मेहंदी लग चुकी है। यस गाइज ये देखो, अब आपको मेहंदी लगाएंगे, बाय बाय। गाइज अब हम डोसा खा रहे हैं जो मम्मा ने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे मम्मा के मेहंदी लगाते हुए। देखो देखो मम्मा की मेहंदी जो कि अभी अभी कंप्लीट हुई है, यहाँ नेल पॉलिश रहती। गाइज अभी बज रहे हैं 12:15 और अब जाके मम्मी की भी मेहंदी लग चुकी है और मेरी तो खैर रचने भी लग गई है, तो अब कल शादी वाला ही दिन है। तो गाइज मिलते हैं आपसे कल ही, बस अब तैयारियां हो गई हैं, फाइनल डे है, तो मिलते हैं आपसे कल। The next morning. So guys, मैं अपनी हेयर स्टाइल करवा रही हूँ जो कि आशी कर रही है, और हेयर स्टाइल करने के बाद हम लोग रेडी होंगे। ये महाराज अभी तक सो के ही नहीं उठे। उठिए उठिए। गाइज मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको दूंगी कर्ल लुक। क्या क्या, मैंने अपने बाल कर्ल कर लिए हैं, कैसी लगी मेरी स्टाइल बताना। ये हमारी ड्रेसेस, ये मम्मा की हैं और ये मेरी है, और ये प्रेस हो रही है, इसका रियल लुक तो पहन के ही पता लगेगा, है ना। तो गाइस हैं ये लोग भी आ चुके हैं और ये सब भी तैयार हो रहे हैं। हो गया जी।